हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्मिला, आपका स्वागत है मेरे चैनल किचन कार्निवल में। तो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में हमें घर में बैठे बैठे भी ज्यादा भूख लगती है, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया चटपटा नाश्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने 1.5 कप पोहा लिया है, ये जाड़ा पोहा लिया है। उसको अच्छे से 2 बार पानी से वॉश कर लेंगे। को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे और उसमें 1/4 कप जितना पानी डाल के उसको 15 मिनट तक भीगने रख देंगे। अब इसको ढक के रख देंगे और 15 मिनट बाद इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसे छलनी में ऐसे रख के दबा दबा के निकाल लेंगे। याद रहे, इसमें थोड़ा सा भी पानी रहना नहीं चाहिए, एकदम सूखा मिक्सचर कर ले। और फिर ये ड्रेन किया हुआ मिक्सचर हम बोल में निकाल लेंगे। अब इसको अच्छे से मसल के मिक्स करना है। वैसे तो हमने इसको भिगा के रखा था तो वैसे ही ये सॉफ्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हमें इसको मसल के अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप उबले हुए और कद्दूकस किए हुए आलू, और अब बाकी सारे मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके लिए मैंने लिया है हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, साबुत जीरा 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर लिया है 1 छोटी चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स 1 छोटी चम्मच, और यह साबुत धनिया लिया है, इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है, यह इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप अगर ये रेसिपी घर पे ट्राई करते हैं तो यह इंग्रेडिएंट्स डालना ना भूलें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब ये सारी चीज हमने ऐड कर दी है, अब हम यह मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी का मिक्सचर इसमें थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, अगर ऐसे ये हमारा मिश्रण जो है वह थोड़ा पतला रहेगा तो बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। ये कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है, थोड़ा थिक ही है। अब हमारा मिक्सचर जो तैयार हो गया है उसमें तड़का लगा देते हैं। उसके लिए मैंने 1 चम्मच तेल को गरम करके उसमें 1 चम्मच राई डाल दी है और वह तड़के को मिक्सचर में डाल देंगे। अब यह मिश्रण थोड़ा गर्म है तो चम्मच से उसे मिक्स कर लेंगे। अब यह मिश्रण को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके वड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और एक लुई ले लेंगे और उसको मनचाहे शेप्स दे देंगे। वड़े बनाने के लिए आपको जैसा भी शेप देना है, कटलेट जैसा देना है, थोड़ा इसको चपटा करना है, छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, जैसे भी शेप बनाना चाहे बना सकते हैं। तो हमने ऐसे ही सारे वड़े बना के तैयार कर दिए हैं। और फ्राई करने से पहले लास्ट स्टेप है, यह बहुत ही जरूरी है करना, इसको है हमें कॉर्नफ्लोर में कोट करना। ऐसे ही हम सारे वड़े कॉर्नफ्लोर में कोट करते जाएंगे और उसका पतला एकदम कोटिंग कर देंगे। और एक और मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसमें यह गर्मा गर्म वड़े फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि वड़े को हमें थोड़ा भी अलट पलट नहीं करना है, जैसे ही डाला है तो 10 मिनट बाद इसे हमें निकाल लेना है। तो तैयार हो गए हैं हमारे बहुत ही बढ़िया नाश्ता, जिसे आप बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कभी भी बना के या फिर टिफिन के लिए भी बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।